हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाह रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है आज मॉर्निंग में। उस इंसिडेंट के बाद थोड़ी देर तो बिल्कुल भी मुझे कुछ खाने पीने का मूड नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या, मतलब कैसे मैंने खा लिया, क्या खा लिया मैंने ऐसा। उसके बाद लगता है ना जैसे कभी कभी क्या खा लिया और बिल्कुल उसके बाद कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो आज कुछ ऐसा हुआ, जनरली हम सब लोग बाहर से सामान लाते हैं, कुछ भी सामान होता है, और आजकल तो कुछ ऐसा है कि मैक्सिमम हम लोग पैक्ड सामान लाते हैं। सभी लोग पैकेट्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं आजकल। तो चावल हो गया, दाल हो गया, या फिर चीनी हो गई, ये सब भी पैक्ड आ रही हैं, दैट इज़ ओके। बिस्किट्स, ब्रेड, सब पैक्ड आ रहा है। तो हम पैक्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर इसलिए बिलीव करते हैं कि हमें थोड़ा क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए, प्लस पैक्ड है तो चलो हाइजीनिक भी होगा ही होगा, ये सोच के हम प्रोडक्ट्स ले आते हैं और हम खाते हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड के प्रोडक्ट्स ले आते हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं हमारे लिए, बट हम सोचते हैं इट्स ओके, अगर ये हमें अच्छे न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, हमारी फैमिली को अच्छा मतलब फूड मिल रहा है, दैट इज़ ओके, नथिंग, इससे कोई मैटर नहीं करता, ये कुछ मैटर नहीं करता एक्सपेंसिव। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि आज मॉर्निंग में मैं डेट्स के लिए, जैसे मॉर्निंग में डेट्स लेते हैं, 4-5 डेट्स ले लेते हैं जनरली, कि चलो थोड़ी सी आयरन मिल जाएगी, हेल्दी हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं डेट्स के पैकेट लाती हूँ। मेरे हस्बैंड डेट्स निकाल रहे थे, ये पैकेट थोड़ा सा बड़ा था तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, हम फ्रिज में रख देते हैं पैकेट एंड उसी में से यूज़ करते रहते हैं। तो वो पैकेट अब नियर अबाउट खत्म हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने कुछ ऐसे करके उसमें से निकाला, तो ये कुछ 2-4 डेट्स निकले, बाकी थे नहीं उस पैकेट में। देन वो पैकेट कुछ इस तरीके का था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी ब्रांड है लाइन डेट्स, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं मार्केट में, मैंने इसके और भी वेरिएंट्स ट्राई किए हैं, मैं काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ करती हूँ, हो गया होगा अराउंड 6 मंथ्स बन गए मैं तो यूज़ कर रही हूँ। इस पैकेट में से कुछ ये चीज निकली, यू कैन सी लाइक दिस, क्या है। तो जैसे कभी कभी होता है ना, अवॉइड कर जाते हैं, जैसे ही ये निकला तो मेरे हस्बैंड को लगा शायद इसके अंदर का बीजा बीजा होगा, तो मुझे भी लगा हाँ कुछ होगा, छोड़ो। एकदम से मेरी नजर गई, मैंने बीजा तो नहीं लगा यार, इतने में मैंने उसे उठाया, देन ऑफकोर्स बीजा नहीं है, क्योंकि बीजा तो काफ़ी हार्ड होता है। ये एक्चुअली सिगरेट बर्ड है जो उस पैकेट में से निकली है। इसको देखते ही मेरा माइंड बिल्कुल इतना डिस्टर्ब हो गया कि मुझे लगा अब ये डेट्स तो मैंने इतने टाइम से खा रही हूँ, मतलब इतने टाइम से क्या वही अराउंड 15-20 डेज जो भी हुए होंगे, और अब ये मैं डेट्स कभी शायद खाऊँ ना, इवन ये वाले तो बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी, क्योंकि पता नहीं दूसरे पैकेट के खाऊंगी क्या कमाई हो अंदर क्या होगा। तो हम बड़ी बड़ी ब्रांड्स से सामान ले आते हैं, मतलब ये सोच के ले आते हैं कि हमें अच्छा सामान मिल रहा है, तो क्या ये सही है, एग्जैक्टली वो सामान अच्छा होता है या नहीं होता है, हमें नहीं पता। क्योंकि ब्रांड्स में पीछे कंपनीज में क्या हो रहा है, उसकी पैकिंग कैसे हो रही है, वी नेवर। अच्छा, अब पहले होता था कि आपने देखे होंगे डेट्स, मतलब मेरी मदर लाती थी डेट्स, वो ठेले से लाती थी, और ठेले से ला के देन उसे फिर वो वॉश करती थी, सुखाती थी, तब वो हमें देती थी खाने के लिए। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो बस यही थोड़ा सा टाइम हमारे पास आज की फास्ट लाइफ में टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम क्या नाम है ऐसे थोड़ा करते हैं कि चलो पैकेट वाला सामान ले आ रहे हैं तो यूज़ कर लेंगे उसे। बट ये सब जब होगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे ऊपर, ब्रांड्स में पीछे क्या हो रहा है, कंपनीज कैसे चल रही है, पैकिंग कैसे कर रही है, वी नो, वी डोंट नो। जैसे कि हमें एड में दिखता है, एड होगी या डिस्कवरी चैनल में आप देखिए, पैकिंग जब होती है तो प्रॉपर स्लाइड से सामान आता है और देन पैक होते हुए निकल जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो सामान टच तक हो रहा है, मतलब वर्कर्स उसे टच भी नहीं करते हैं। और लाइन डेट्स की तो मैंने खैर ऐड भी देख रखी है, उसमें अनटचेबल टाइप का है कि अनटच हुआ है सामान, ये डेट्स अनटच हैं, और क्योंकि डेट्स में बहुत ज़्यादा जर्म्स वगैरह लग जाते हैं, थोड़े से स्टिकी होते हैं, तो ऐसी थी कुछ ऐड थी उसकी। बट अगर ये अनटच है तो फिर ये सिगरेट बट कहाँ से आई उसमें,
वही है कि या तो वर्कर्स ने सिगरेट्स वगैरह लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं वर्कर्स, और वो वहीं डाल देते हैं, तो जहाँ पे डेट्स रखे हैं उनके साथ ही में पैक हो गई। कहते हैं ना मिस्टेक सबसे हो सकती हैं, तो ठीक है भाई हो गई मिस्टेक, पर मिस्टेक्स का भी एक तरीका होता है। सपोज आप ब्रेड लाए, वो थोड़ी सी ज्यादा बेक्ड है, थोड़ी सी टाइट हो गई है, देन इट्स ओके, हो गई मिस्टेक एक बार कंपनी से, और इट्स ओके कोई बात नहीं। कीड़ा निकल आया, दैट इज ऑल्सो ओके, कि भाई कीड़ा है, किसी का ध्यान नहीं गया, चल के चला गया वो कीड़ा या कुछ हो गया, दैट इज ऑल्सो लाइक हम मान सकते हैं कि मिस्टेक है। बट सिगरेट बट निकलना, दैट मीन्स कि अंदर स्मोकिंग अलाउड है जहां पे सामान पैक हो रहे हैं। तो अगर अंदर स्मोकिंग अलाउड है तो क्यों अलाउड है? एक्चुअली मैं अपना ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रही हूँ कि सबको पता चले और फिर एक हंगामा हो, नहीं ऐसा कुछ मेरा इरादा नहीं है। मैं अपना ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि ये बात जो है लॉयन डेट्स कंपनी तक पहुंचे, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर में भी कॉल की थी इसके लिए, बट कस्टमर केयर का तो आपको पता है क्या है कि 1 दबाओ 2 दबाओ देन 3 दबाओ, और इस तरीके से वो चले जा रहा था, तो मेरी किसी से बात नहीं हो पाई। तो अगर इस वीडियो के थ्रू मैं उन तक पहुंच सकती हूँ, वो देखें ये वीडियो और समझें और अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करें, सो दैट कि उनका जो स्टैंडर्ड मेंटेन है वो मेंटेन रहे। आज मुझे कंप्लेन मिली है, कल को आपको भी मिल सकती है, तो आप लोग इन सब चीजों से अवेयर रहे। प्लस जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं या फिर इंडिया के बाहर भी बन रहे हैं, हमारे लिए बन रहे हैं, हम उन्हें यूज भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही हैं, आज की हम फास्ट लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पैक्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बट उनके अंदर कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है, एवरीथिंग शुड बी फेयर, बहुत अच्छे से होना चाहिए। जितना जितना वो हमें शो करते हैं अपनी एड्स वगैरह में कि अंदर पैकिंग ऐसे हो रही है, अनटच है, तो एग्जैक्टली अंदर वैसा होना भी चाहिए। और अगर मैं नहीं बोलूंगी या हम अवॉइड कर देंगे, मैंने अवॉइड कर दिया या आपने अवॉइड कर दिया, तो उन तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर आपको लगता है कि मुझे अपना मेरा ये वीडियो आगे तक जाना चाहिए, कंपनी तक पहुंचना चाहिए ताकि वो इस बात को समझे, तो प्लीज मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एग्जैक्टली मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी किसी कंपनी को डीफ्रेम करने का नहीं है, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि कंपनी तक बात पहुंचे और ये जो कुछ भी हो रहा है ये ना हो। सो प्लीज आप मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कंपनी तक बात पहुंचाइए।